दोस्तों फिरोकू झिरका से इनेलो प्रत्याशी हबीब हवननगर ने आज करीब 6 गांवों का तूफानी दौरा किया। इस दौरान गांव गांव में उनको भारी जन समर्थन मिला, उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस तूफानी दौरे की शुरुआत हबीब हवननगर ने करहेड़ा गांव से की, जहां पर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और सभी गाँव के लोगों ने उनको तन मन और धन से समर्थन भी दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हबीब हवननगर ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे वैसे ही सारी समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जो प्यार और सम्मान आपने फूल माला और पगड़ी बांध कर दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपका ये साथ और भरोसा मेरे लिए अनमोल है। हम सब मिलकर इस क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए नए कदम उठाएंगे। वहीं करहेड़ा गांव के बाद में हबीब हवननगर अगले गांव चलते हैं उलेटा, और उलेटा गांव की सरदारी उनको पगड़ी बांध करके सम्मानित करती है, साथ ही उनको अपना समर्थन देती है। उलेटा गांव पहुंचने पर जैसे ही गांव की सरदारी हबीब हवननगर को अपना समर्थन देती है वैसे ही हबीब हवननगर भी उलेटा गांव की सरदारी को आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनका अगर कोई भी काम है तो वो हर वक्त मेरे फार्म हाउस पर आ सकते हैं, उन सब के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है और उन सब का काम बड़ी ही शिद्दत के साथ किया जाएगा। उलेटा गांव के बाद में हबीब हवननगर पहुंचते हैं जैताका गांव में गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाता है और उनको जैताका गांव की जो सरदारी है वो अपना समर्थन देती है। इस दौरान गांव के लोग फूल माला पहना करके उनको सम्मानित भी करते हैं। वहीं जैताका गांव में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए हबीब हवननगर ने कहा कि अभी तक फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र विकास से कोसों दूर है, अगर इनेलो पार्टी सत्ता में आती है और हम विधानसभा में पहुंचते हैं तो आपके हक और हकों की आवाज को मजबूती के साथ में उठाया जाएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद में हबीब हवननगर पहुंचते हैं रानिका गांव में तूफानी दौरे के साथ साथ लोग उनका गाजे बाजे के साथ में स्वागत करते हैं और जबरदस्त तरीके से अपना समर्थन देते हैं। हबीब हवननगर जैसे ही रानिका गांव पहुंचते हैं तो लोग की भीड़ उनको देखने के लिए और सुनने के लिए उमड़ पड़ती है। वहीं हबीब हवननगर का साफ तौर पर कहना यह है कि एक बार मुझे मौका दीजिए फिर देखिए किस तरीके से मैं विकास करवाता हूँ। रानिका गांव के बाद में हबीब हवननगर पहुंचते हैं कुलताजपुर गांव में भी जबरदस्त तरीके से हबीब हवननगर का समर्थन होता है, उनका स्वागत होता है और डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करते हैं, गांव के लोगों से हालचाल पूछते हैं। वहीं इस दौरान गांव के लोग हबीब हवननगर को पगड़ी बांधते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में गांव की एक एक वोट इनेलो के टिकट पर जाएगी और हबीब हवननगर को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया जाएगा। वहीं देर शाम होते होते हबीब हवननगर पहुंचते हैं शिशोणा गांव में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जाता है, घोड़ी पर बैठा करके मान सम्मान दिया जाता है और गांव में घोड़ी पर बिठा करके शिशोणा गांव में हबीब हवननगर को घुमाया जाता है। इस दौरान हबीब हवननगर लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और साथ ही उनको आश्वस्त करते हैं कि आने वाला समय इनेलो पार्टी का है और इनेलो पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी वैसे ही शिशोणा गांव की सारी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। वहीं आपकी जानकारी भी बता दे कि जैसे जैसे अलग अलग गांव में हबीब हवननगर पहुंचे वैसे ही गांव के लोगों ने बड़े ही धूम धड़ाके के साथ में उनका स्वागत किया और उनको आश्वस्त किया है कि गांव का बच्चा बच्चा हबीब हवननगर बनकर के मेहनत करेगा और आने वाले समय में हबीब हवननगर को जिता करके विधायकी का ताजपोशी आने वाले समय में करवाई जाएगी। तो दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। सम्मानित मंच और सारे सम्मानित बैठे हैं यहाँ पे बुजुर्गों, बच्चे, माताएं, बहनें, तो गांव की सरदारी। भाई देखो सीधी सी बात है, चुनाव चल रहा है और सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं वोट मांगते, हम भी वोट मांगने के लिए आए हैं।
अभी नंबरदार ने कही बहुत सारी चीजें, वैसे तो कुल मिला के सारी बात कह दी है, बचो तो कुछ है ना। ये सही है जो सारी बातें जो बता दी, लेकिन सब कहवा भी है सुना भी है, अमल को ना करे तो कुल मिला के है कि अमल करो। ये अभी तक जिन लोगों को वोट देते आए बनाते आए सबका हाल सामने है, और कोई चिंता ना खाइए मैं सिवाय अपनी चिंता है। हम 10-15 साल से लोगों के बीच में हमने काम भी किए, जैसे भी अच्छे बुरे जो भी मिला जो भी आया कोशिश की है, और अपने मन से दिल से पूरी कोशिश की है लोगों ने करने की। हमारी नियत काम करने की है इंशाल्लाह, नियत तो अल्लाह जाने। और आप लोगों से गुजारिश ही है, ये बहुत हो गया, बदलाव की जरूरत है और हम बदलाव के लिए आए हैं। हमारा काम करना है हमें, और ये चोरी चकारी लूट मार में हमारा कोई इंटरेस्ट ना है। पहले से भी लोग जानते हैं, अभी बता रहे हैं, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लूट खसोट में, झूठे मुकदमे या समाज में बंटवारा करना, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ भाईचारा डेवलपमेंट, नौजवानों का गांव में जो काम है, इंशाल्लाह काम करने की इच्छा है। आप मेरा साथ दो, बदलाव के लिए साथ दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है। इसमें आप सबको साथ देना पड़ेगा, छोटी मोटी पार्टीबाजियों को छोड़ के। और दूसरा भाई, तीन कैंडिडेट हैं, दोनों जो ठीक लगे, जो ठीक हो इलाके के लिए उसको चुनो। इनके गांव में चाहो तीनों कैंडिडेट है, गांव में वहां देखो जब गांव में सबसे बढ़िया डेवलप हो, रास्ते हो, वाले वोट दो। जो अपना गांव ठीक ना कर सके वो इलाका का ठीक करेगा। इन सब चीजों पे गौर करो। और रही बात इसकी, लोगों को डरा के वोट ले रहे, कभी आम आदमी ने, कभी मेयर ने, कभी कहीं समाज डरा रहा है, ये वोट एक मांग रहे, नहीं तो मैं बात भगा दू। अरे सारे भाई बैठे हैं, हमारा इलाका है, मैं बात है, 37 बरादरी सब एक साथ बैठती है, सभी से साथ है मेवात में, तो मेवात में ये चुनाव